देशभर में आज मदर्स डे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कानपुर के स्वराज वृद्धाश्रम में मौजूद कुछ ऐसी भी माँ हैं जिन्हें हर दिन की तरह इस खास दिन भी अपने बच्चों का प्यार नसीब नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से ये बुजुर्ग महिलाएं वृद्धाश्रम में जीवन यापन कर रही हैं। एबीसी न्यूज ने ऐसी ही कुछ माताओं के दुख दर्द को जानने और महसूस करने की कोशिश की जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया। इन बुजुर्ग महिलाओं को घरेलू कलह प्रताड़ना के बाद अब वृद्धाश्रम में शांति के साथ जीवन जी रही हैं। मन में प्रताड़ना की टीस कुछ ऐसी है कि ये अब वापस अपने घर जाना भी नहीं चाहती। एबीसी न्यूज से खास बातचीत करते हुए ये बुजुर्ग महिलाएं भावुक भी हो गईं और कहा कि उनका अंतिम संस्कार भी अब यहीं से होगा। उनका कहना है कि वृद्धाश्रम ही उनका परिवार है। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन बेसहारा माताओं की सेवा कर रहे हैं और उनके बीच जाकर उनकी खुशियों को दोगुना करने का काम कर रहे हैं। स्वराज वृद्धाश्रम पनकी के केयर टेकर सुरेश शर्मा ने बताया कि 40 से ज्यादा अधिक बेसहारा बुजुर्ग माताएं अपने बच्चों की प्रताड़ना से परेशान होकर अलग अलग राज्यों से आई हैं जिनकी निःशुल्क सेवा की जा रही है। उधर वृद्ध आश्रम में वृद्ध माताओं के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने आए लोगों ने युवा पीढ़ी से अपने माता पिता को भगवान की तरह मानने और उनकी सेवा करने की अपील की। यहाँ आने वाले सब 60 के ऊपर हैं। घर वाले बहुत ज़्यादा है आजकल। इन लोगों को जो परेशान करते थे ये सब दुखी परिवार से आए हुए हैं, दुखी मन से आए हुए हैं। और कोई कानपुर नहीं, काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ, बिहार के भी हैं, बंगाल से भी हैं, दिल्ली के भी हैं, कानपुर के भी हैं, हर तरह से हर तरीके के लोग हैं। आते बच्चे तभी तक मिलने आते हैं जब तक इनके पास कुछ है, कुछ ज़मीन जायदाद हो या कुछ पैसा हो, बैलेंस हो, उसके बाद उनकी बॉडी तक देखने के लिए नहीं आते, लेने नहीं आते। हमारा स्वराज वृद्धाश्रम 17 साल से ऐसे ही निराश्रित लोगों की सेवा निःशुल्क कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मन में तो केवल यही आया कि पता नहीं कैसे बच्चे होंगे वो लोग जो अपने सबसे ज़्यादा जिसको माता पिता को जिस समय उनकी ज़रूरत होती है तब वो उन्हें छोड़ देते हैं। पता नहीं किस तरीके की सोच के लोग हैं। हम तो यही चाहेंगे कि अगर मेरी आवाज़ आपके माध्यम से उन तक पहुंच रही हो तो अपनी अपनी माओं को अपने साथ रखें, अपने माता पिता को जब तक उनकी आखिरी सांस है अपने साथ ही रखें। और हम लोग भी यही देखने आए थे आज मदर्स डे पे कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं, और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देंगे यहाँ के संचालकों का जिन्होंने उनको आश्रय दिया हुआ है। देश भर में आज मदर्स डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से लोग जो हैं अपनी माओं के साथ इस जो मातृ दिवस है इसको मना रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसी भी माएँ हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक वृद्धाश्रम आए हुए हैं, यहाँ इनसे जानेंगे क्या इनकी जो बेबस हैं माएँ अपनी कितना बच्चों को याद कर रही हैं या क्या वजह है जो ये यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, इनके बच्चे आखिर इनके साथ क्यों नहीं है और इसके पीछे इनकी क्या कहानी है। सबसे पहले आपसे जानेंगे माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा मेहरोत्रा। आप वृद्धाश्रम में रह रही हैं, आज मदर्स डे है, कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे बच्चे जहाँ भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, हम भी यहाँ पर बहुत खुश हैं और सब लोगों के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। आज मुझको 8 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। और तो 8 साल से आपके बच्चे कभी मिलने आए या उनने आपकी हाल खबर लेने की कोशिश? मेरी बेटी मेरा सपोर्ट बहुत करती है और बेटे तो नहीं आए, बहू तो नहीं आएगी कोई। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कमला देवी। कब से आप यहाँ पे हैं और कैसा लग रहा है आज यहाँ इतने लोगों के? 9 साल। 9 साल से बच्चे आपके नहीं आए हैं? नहीं आता, एक लड़का है जाता है। अपने साथ क्यों नहीं रख रहे हैं? हम खुद नहीं रहते हैं इसलिए नहीं रहते हैं। आजकल बहुएं जानते हो भैया कि कैसी उनकी आदत है, जब तक शादी नहीं रहे जी। आप कैसा है यहाँ, आपको लग रहा है तमाम लोग आए हुए हैं आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, महान ही खुशी है, बच्चे आ गए। अपने बच्चों को कितना याद करती हैं आप अगर बात करें? आज जो है मदर्स डे, आपको है पता बच्चे आते हैं, परिवार पूरे आते हैं, बेटियों का परिवार पूरा आता है। नहीं अभी टाइम मिला होगा, हो सकता शाम तक आए, आते हैं बच्चे, हमारे आता है, पोता आता है,
सब आते हैं।